हेलो गाइस, आपको हमारे वेबसाइट openexam.com में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारे वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर एंड जीके इन हिंदी के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको 15 जनवरी 2022 की करंट अफेयर उपलब्ध है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लोथ भालू का किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यूबाय ने हाल ही में किस एक्ट को 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिरा डेविस को हाल ही में किस फाइनेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मीडिया कंपनी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है एनडीटीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में खादी हस्तनिर्मित कागज की चप्पल लॉन्च की है? इसका सही आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? इसका सही आंसर है माया एंजिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विशिष्ट संस्था ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉफिट्स रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी समूह और हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता पोस्को ने हाल ही में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन समझौता किया है? इसका सही आंसर है दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा संस्थान दिवस है? इसका सही आंसर है 147वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 15 जनवरी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट toperexam.com पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।